हे गाइस, वेलकम बैक टू जेआरडी की कुकिंग डायरीज। तो आज हम बनाएंगे शेजवान मोमोज। ये एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होने वाली है। तो अगर आपको मोमोज खाना बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन वो आपको बनाने मुश्किल लगते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसके बाद आपको मोमोज बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेंगे। तो हम इसे बनाना शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए देखते हैं इन मोमोज को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम डो तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमने 2 कप मैदा लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच करीबन नमक और 2 से 3 चम्मच तेल। अब इसको अपनी हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से गूंद लेते हैं। तो अब इसे अच्छे से गूंद के इसका एक सॉफ्ट डो रेडी कर लेते हैं। तो अब हमने इसे गूंद लिया है, अब इसे ढककर 10 से 15 मिनट तक रख देते हैं ताकि जो डो है वो और सॉफ्ट हो जाए। तब तक हम स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हमने पैन में 1 चम्मच तेल लिया है। जैसे ही तेल गर्म होगा हम इसमें डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कुटा हुआ अदरक। इन दोनों को हम हल्का फ्राई कर लेते हैं। तो अभी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसमें 1 कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे और 2 किसी हुई गाजर डालेंगे। अब इन दोनों को मिक्स करके थोड़ी देर पका लेते हैं। हमें इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हम इन्हें थोड़ा सॉटे करेंगे ताकि जो सब्जियों का जो कच्चापन होता है वो हट जाए। और अब हम इसमें कटी हुई पत्ता गोभी डालेंगे और इसे भी बाकी सब्जियों के साथ मिक्स कर लेते हैं और इसे भी थोड़ा पका लेते हैं। हम इसे थोड़ी देर ढककर पका लेते हैं। जो सब्जियां हैं वो भाप में ज़्यादा जल्दी पकेंगे। तो अभी सब्जियां पक चुके हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें थोड़े स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसके लिए हमने 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाला है, 2 चम्मच विनेगर डालेंगे, 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस डालेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब हमारी ये स्टफिंग तैयार है। अब हम इसे साइड रख देते हैं ठंडा होने के लिए और इसके बाद वापस से डो को लेंगे और इसमें से थोड़ा सा आटा लेके इसकी एक छोटी बॉल बना लेंगे, जैसे हम रोटी या पूरी के लिए बनाते हैं। और अब हम इसमें थोड़ा मैदा लगाकर इसे बेल लेंगे। इसे हमें लगभग पूरी जितना बेलना है, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं बेलेंगे। और इसकी जो लेयर है वो हमें बिल्कुल पतली रखनी है। अब बेलने के बाद हम इसमें अपनी स्टफिंग डालेंगे। तो स्टफिंग को पूरी के एकदम बीचों बीच डालें और इसकी एक साइड में हम पानी लगा लेंगे और दूसरी साइड से उसे इस तरीके से उसके ऊपर हम फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करने के बाद इनके कोनों को हम अच्छे से दबा देते हैं ताकि जो इसकी स्टफिंग है वो बाद में निकले ना। हम इसके एक कोने में थोड़ा पानी और लगाएंगे और उसके दूसरे कॉर्नर से उसे वापस से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और उसके दूसरे कॉर्नर में उसे इस तरीके से चिपका देंगे। तो अभी हमारा मोमोज तैयार है। तो अब हम इसी तरीके से अपने बाकी सारी मोमोज भी बना लेंगे। और सारे मोमोज बनने के बाद अब हम इसे स्टीम करेंगे। तो स्टीम करने के लिए सबसे पहले हमने कंटेनर में पत्ता गोभी की जो ऊपर की लीव्स रहती हैं उन्हें बिछा दिया है और इनके ऊपर हम मोमोज को रख के स्टीम करेंगे। इससे मोमोज काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्टीम होंगे और जो मोमोज है वो कंटेनर में नीचे चिपकेंगे भी नहीं।
अब हम इसे ढककर ऑलमोस्ट 15 मिनट के लिए इन्हें स्टीम कर लेंगे। पंद्रह मिनट में काफ़ी अच्छे स्टीम हो जाते हैं। तो अब ये स्टीम हो चुके हैं, अब हम इसे कंटेनर से बाहर निकाल लेते हैं। और अब हम इन्हें शेजवान सॉस में फ्राई करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ वापस से पैन लिया है, इसमें हम डालेंगे एक चम्मच तेल। जैसे तेल हल्का गर्म होगा हम इसमें डालेंगे एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे हम हल्का फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें तीन चम्मच शेजवान चटनी डालेंगे। और एक चम्मच के करीबन टोमेटो सॉस डालेंगे। इनको हम मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें अपने स्टीम करे हुए मोमोज डालेंगे। और इनको सॉस में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे हम टॉस कर लेते हैं ताकि मोमोज में सॉस अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब हमारी ये शेजवान मोमोज बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। अब हम इन्हें पैन से निकाल लेते हैं और गर्मा गर्म चटनियों के साथ इन्हें सर्व कर लेते हैं। तो अब आप भी इन शेजवान मोमोज को एक बार जरूर बनाकर ट्राई करें। ये आपको बाकी सारे मोमोज से सबसे ज्यादा पसंद आने वाली हैं। तो आप इसे एक बार जरूर बनाएं और हमें बताएं कमेंट सेक्शन पे कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।